Welcome. Good morning, all DMLT students. Microbiology के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? Today's lecture continue on hepatitis B. यानी आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? Hepatitis B virus के ऊपर continue है. पीछे के लेक्चर में आपने क्या देखा था कि hepatitis B virus कौन सी फैमिली से belong करता है? Hepatitis B और वो मतलब उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कैसी है, वो एनवलप का वायरस है, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है आपने पीछे के लेक्चर में देखी थी. उसकी सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं, FBSAG, और उसमें टोटल 3 एंटीजन होते हैं, FBSAG, FBTAG और FBEAG. FBEAG जो क्या है, हाइड एंटीजन है. तो ये तो आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में आप क्या देखोगे, पहले ट्रांसमिशन रूट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी ट्रांसमिशन रूट यानी वो एक दूसरे से ट्रांसफर किस रूट से होता है, किस तरीके से ट्रांसफ्यूज होता है ह्यूमंस के अंदर, उनको क्या है देखोगे. तो देखिए कि हेपेटाइटिस बी वायरस इज ए ब्लड बोर्न वायरस एंड द इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय पेरेंटेरल सेक्सुअल एंड पेरिनेटल रूट. यानी हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो कैसा वायरस है कि ब्लड बोर्न वायरस है, यानी किसमें जन्म लेता है, ब्लड के अंदर. यानी इन्फेक्शन किसके अंदर कॉज करता है, वो ब्लड के अंदर. एंड द इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय पेरेंटेरल सेक्सुअल एंड पेरिनेटल रूट. यानी इन्फेक्शन जो है वो तीन रूट से, तीन तरीके से ट्रांसफर हो सकता है. यानी पेरेंटेरली ट्रांसफर हो सकता है, फिर कोई ब्लड सलाइवा वगैरह से, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, और क्या है पेरिनेटल रूट से, यानी क्या है मदर से प्रेगनेंसी के टाइम में किसके अंदर आ सकता है, फीटस के अंदर. तो ये तीन रूट क्या है इसके ट्रांसफ्यूजन के हैं. सबसे पहले क्या है पेरेंटेरल रूट. तो इसके अंदर देखिए कि पेरेंटेरल रूट के अंदर वो कैसे ट्रांसफ्यूज होता है, तो ब्लड सलाइवा ब्रेस्ट मिल्क सीमन वेजाइनल सिक्रेशन यूरिन योर बाइल एंड फीसिस, और इनसे क्या है, इन सभी मटेरियल से क्या है वो ट्रांसफ्यूज होता है. यानी कोई कंटामिनेटेड मटेरियल कॉन्टेक्ट में आ जाए अगर, यानी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे या फिर सलाइवा के द्वारा या ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, तो इन सभी फ्लूइड से क्या है वो ट्रांसफ्यूज हो सकता है. नेक्स्ट सेक्सुअल रूट. तो सेक्सुअल रूट के अंदर क्या है, द रिस्क इंक्रीज विद नंबर ऑफ पेरेंट्स पार्टनर्स एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप. हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हैज अकर्ड आफ्टर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेमन डोनर स्क्रीनिंग इज ऑब्लिगेटरी. यानी जो सेक्सुअल रूट है उसका रिस्क, यानी जो उसकी जो पार्टनरशिप है उसके अंदर क्या है नंबर क्या ज्यादा हो, या क्या है सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर, या फिर क्या हेपेटाइटिस बी वायरस जो सीमन क्या है इंसेमिनेशन हो, तो उसके द्वारा भी क्या है सेक्सुअली क्या है ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस. नेक्स्ट क्या है पेरिनेटल रूट. पेरिनेटल के द्वारा क्या है कंजाइटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन इज क्विट कॉमन फॉर कॉमन फ्रॉम कैरियर मदर. यानी क्या है कंजाइनेटली, यानी क्या है कि पेरेंट से कोई डिजीज जो स्प्रेड होती है जीन्स के द्वारा वो क्या है कंजेनाइटल. तो क्या है ये मदर से क्या है किसके अंदर किसके अंदर आ सकता है, फीटस के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर. इन्फेक्शन इज यूजुअली एक्वायर्ड ड्यूरिंग बर्थ बाय कॉन्टेक्ट ऑफ मैटरनल ब्लड विद द स्किन एंड म्यूकोसा ऑफ द फीटस. और ये जो इन्फेक्शन होता है पेरिनेटल वो कब होता है कि जन्म के समय, क्योंकि जन्म के समय मैटरनल ब्लड और जो क्या है फीटस का जो ब्लड है स्किन है वो क्या आते हैं कॉन्टेक्ट में आते हैं. तो क्या है वायरस किसके अंदर आ जाते हैं फीटस के अंदर. तो जरूर से देखिए कि ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है. पेरेंटल रूट के अंदर तो क्या होता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सलाइवा या फिर ब्रेस्ट मिल्क या सीमन किसके कॉन्टेक्ट में आ जाए, नॉर्मल पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो उसके अंदर किसका इन्फेक्शन हो सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस का. सेक्सुअल रूट के अंदर भी क्या है कि या तो क्या है इनसेमिनेशन हो, या फिर क्या है कि रिलेशनशिप के अंदर क्या है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में नंबर क्या है ज्यादा हो, तो उससे भी क्या है इसके जो स्प्रेड होने के फैक्टर है वो क्या है इंक्रीज हो सकते हैं. और पेरिनेटल के टाइम पे क्या होता है कि एक मदर से क्या है जिसमें ट्रांसमिट हो जाता है फीटस के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर बर्थ के टाइम पे.
क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर्स में देखिए द इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग अबाउट 1 to 6 months, यानी इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, यानी जो उसके काउंट के अंदर वो क्या है कि मल्टीप्लीकेशन करता है या ग्रोथ करता है, वो कितने दिन में करता है, 1 से 6 महीने में। द क्लिनिकल फीचर हेपेटाइटिस बी वायरस आर सिमिलर टू दैट ऑफ द हेपेटाइटिस ए वायरस, यानी क्लिनिकल फीचर्स जो है हेपेटाइटिस बी वायरस की वो किसके सिमिलर है, हेपेटाइटिस ए वायरस के सिमिलर है। नेक्स्ट, दीज इंक्लूड मेलेस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर हिपेटोमेगैली, क्लिनोमेगैली एंड जॉन्डिस, यानी क्या है कि उन फीचर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो मेलाइट जैसे एनोरेक्सिया हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग होगी, या फिर क्या है हिपेटोमेगैली या फिर क्लिनोमेगैली, ये क्या है कि इसके फीचर्स हैं, इन सभी में प्रॉब्लम्स होती है ऐसी प्रॉब्लम, या फिर कोई जॉन्डिस हो गया। नेक्स्ट, इन सीवियर केस, यानी सीवियर केस के अंदर क्या होता है कि लिवर सिरोसिस हो जाता है या फिर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है, एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस आर कॉमन, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो क्या है कॉमन है इन सभी में। तो एक बार शुरू से देखिए कि क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या है, द इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग, यानी इंक्यूबेशन का जो पीरियड है वो क्या है लंबा होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, अबाउट 1 to 6 months, यानी कितना होता है एवरेज, 1 से 6 महीने। द क्लिनिकल फीचर हेपेटाइटिस बी वायरस आर सिमिलर टू दैट ऑफ द हेपेटाइटिस ए वायरस, यानी इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो किसके जैसे होते हैं, सेम टू सेम हेपेटाइटिस ए वायरस के सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, दीज इंक्लूड, यानी कौन से सिम्टम शो करता है, तो मेलाइट शो करता है या फिर एनोरेक्सिया या नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है, हिपेटोमेगैली यानी लीवर के अंदर सूजन आना, या फिर स्प्लीनोमेगैली यानी लीवर स्प्लीन के अंदर कोई इन्फ्लामेशन आना, या फिर जॉन्डिस यानी क्या है कि बिल्यूबिन का बढ़ जाना। नेक्स्ट, इन सीवियर केसेस, यानी क्या है कि हेपेटाइटिस बी वायरस का क्या है सीवियर इन्फेक्शन है, उस टाइम क्या होता है कि लीवर सिरोसिस हो गया या फिर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया या क्रोनिक हेपेटाइटिस आर कॉमन, तो ये क्या है कॉमन है। हेपेटाइटिस बी कैरियर, कैरियर यानी क्या है जो इसको स्प्रेड करने का काम करते हैं, कैरी करने की चीज को रखते हैं, तो इसमें देखिए सुपर कैरियर क्या है, दे हैव हेपेटाइटिस ई ए यानी एंटीजन इन ब्लड एंड हाईली इंफेक्टेड, यानी सुपर कैरियर के अंदर कौन से पर्सन आते हैं कि जिनके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है HBeAg यानी ब्लड के अंदर एंड हाईली इंफेक्टेड, और ये कैसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन क्या होता है सीवियर स्टेज के अंदर होता है। वेरी मिनट अमाउंट ऑफ ब्लड और सीरम कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन, वेरी मिनट यानी क्या है छोटा सा अमाउंट, बिल्कुल क्या है बिल्कुल कम अमाउंट किसका, ब्लड का, रुधिर का या फिर सीरम का, क्या डिजीज को या इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरे पर्सन के अंदर। फिर क्या है सिंपल कैरियर, सिंपल कैरियर के अंदर क्या है दे हैव नो HBeAg इन ब्लड एंड लो लेवल ऑफ HBsAg इन ब्लड, यानी सिंपल कैरियर के अंदर क्या होता है कि उनके पास HBeAg एंटीजन तो नहीं होता ब्लड में, लेकिन HBsAg का क्या है लो लेवल होता है, यानी HBsAg की कम मात्रा प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर। दे ट्रांसमिट द इन्फेक्शन ओनली वेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड एंड सीरम इज ट्रांसमिटेड, और ये इन्फेक्शन कब ट्रांसमिट कर सकते हैं कि जब क्या है कि कोई बड़ी मात्रा ब्लड की या सीरम की ट्रांसमिटेड की जाए दूसरे पर्सन में, यानी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ज्यादा मात्रा में किसी नॉर्मल पर्सन के कॉन्टेक्ट में आए तो क्या हो सकता है कि सिंपल कैरियर के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है, और सुपर कैरियर के अंदर क्या होता है कि ये हाईली इन्फेक्टेड होते हैं और इनके अंदर HBeAg एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो क्या है अगर छोटा सा अमाउंट भी ब्लड का क्या है कॉन्टेक्ट में आ जाए या ट्रांसमिट हो जाए तो नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या हो सकता है हेपेटाइटिस बी का
इन्फेक्शन हो सकता है। और सिंपल कैरियर में क्या होता है, इनके अंदर SBEAG तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, और SBSAG का क्या होता है, लो लेवल होता है, यानी उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। दे ट्रांसमिट द इन्फेक्शन ओनली वेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड एंड सीरम इज ट्रांसमिटेड। और ये इन्फेक्शन को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, कि जब कोई बड़ी मात्रा ब्लड की रुधिर की या सीरम की कॉन्टेक्ट में है दूसरे पर्सन की। देखिए लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इसके अंदर देखिए लैब डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसिटिव टेस्ट लाइक एलाइजा एंड रिया। यानी क्या है कि लैब डायग्नोसिस जो है, लैब के अंदर जो डायग्नोसिस है इसका पता लगाया जा सकता है। कैसे पता कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है या नहीं, वो कैसे पता कर सकते हैं कि अपन क्या है कि जो एंटीजन कैरी करता है हेपेटाइटिस बी वायरस, कौन सा एंटीजन, हेपेटाइटिस बी के तीन एंटीजन होते हैं, एक तो HBsAg, HBeAg और HBcAg, यानी उन एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कैन बी कैरिड आउट बाय डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यानी हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड एंटीजन और एंटीबॉडीज को क्या है अपन डिटेक्ट करके हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। विच कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसिटिव टेस्ट लाइक एलाइजा एंड रिया। और ये किस तरीके से, ये एंटीजन जो एंटीबॉडीज हैं उनको किस तरीके से डिटेक्ट करोगे आप, तो इनको आप एलाइजा या रिया से क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं। एलाइजा का मतलब आपको पता ही है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एच है, और रिया यानी रेडियो आइसोटोप एच है। नेक्स्ट देखिए HBcAg इज नॉट डिटेक्टेबल इन द सीरम बट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन लिवर सेल बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस। यानी क्या है, HBcAg जो एंटीजन है वो किसके अंदर डिटेक्ट नहीं होता, सीरम या ब्लड के अंदर होता, यानी सीरम एंड ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसको अगर आप इसका पता लगाना हो तो अपन कहाँ से कर सकते हैं, बट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन लिवर सेल। इसको क्या है, अपन लिवर की सेल्स के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं इसके द्वारा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए द DNA लेवल ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस कैन आल्सो बी डिटेक्टेड इन सीरम और बाय PCR। यानी DNA का जो लेवल है हेपेटाइटिस बी वायरस का, वो किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड अगर आपको क्या न्यूक्लिक एसिड कोई डिटेक्ट करना हो तो किसके द्वारा डिटेक्ट करोगे, PCR के द्वारा, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। शुरू से देखिए एक बार कि लैब डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। यानी हेपेटाइटिस बी वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको आप किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो लैब में, तो लैब में हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड एंटीजन और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके अपन क्या है इसका पता लगा सकते हैं। ये जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी इसको डिटेक्ट कैसे करोगे, तो देखिए विच कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसिटिव टेस्ट किट लाइक एलाइजा एंड रिया। यानी इनको अपन सेंसिटिव टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं एलाइजा और रिया के द्वारा। आपको पता है एलाइजा के अंदर अपने को जिस, यानी या तो एंटीजन डिटेक्ट करना है तो उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज क्या है पहले उसकी प्लेट के अंदर कोटेड रहती हैं, या फिर अपने को एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है तो एंटीजन क्या है एलाइजा प्लेट के अंदर कोटेड रहता है, और अपन ह्यूमन बॉडी के सीरम में क्या है उससे रिलेटेड एंटीजन या एंटीबॉडीज क्या है उसके साथ रिएक्शन करवा के अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए HBcAg इज नॉट डिटेक्टेबल इन द सीरम बट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन लिवर सेल बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस। यानी हेपेटाइटिस सी एंटीजन जो है वो ब्लड के अंदर डिटेक्टेबल नहीं होता, ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता सीरम के अंदर,
और इसका अगर अपने को पता लगाना है, बट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन लीवर सेल, यानी लीवर सेल्स के अंदर इसको देख सकते हैं, यानी लीवर की बायोप्सी करके अगर अपन उसको देखें, यानी हिस्टोपैथोलॉजी की एग्जामिनेशन करें इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डीएनए लेवल्स ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी आल्सो बी डिटेक्टेड इन सीरम बाय पीसीआर, यानी डीएनए का जो लेवल है हेपेटाइटिस बी वायरस का, यानी डीएनए जो है, आपको पता है हेपेटाइटिस बी वायरस कैसा वायरस है, डीएनए वायरस है एक अकेला हेपेटाइटिस के अंदर, तो उसका जो डीएनए का मटेरियल है उसको अपन पीसीआर के द्वारा क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली तीन स्पेसिफिक टेस्ट हो गए हेपेटाइटिस बी के लिए, एक तो एलाइजा, दूसरा रिया और तीसरा पीसीआर, इन सभी के द्वारा क्या है अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्या है रैपिड कार्ड भी आते हैं, उसके द्वारा भी डिटेक्ट किया जा सकता है, जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के ऊपर। वायरल मार्कर, यानी वायरल मार्कर का अपन कैसे पता लगा सकते हैं, तो आपको पता है कि वायरल मार्कर क्या है, हेपेटाइटिस वायरस के तीन जो एंटीजन थे, यानी एचबीएसएजी सरफेस एंटीजन, कोर एंटीजन, और क्या है उसका जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो प्रेजेंट एंटीजन था वो, तो इन तीनों एंटीजन क्या होते हैं ये वायरस के मार्कर होते हैं, तो इनको कैसे पता लगा सकते हैं अपन, तो देखिए सबसे पहले क्या है सरफेस एंटीजन यानी एचबीएसएजी, तो एचबीएसएजी इज ए स्पेसिफिक मार्कर फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, यानी एचबीएसएजी को अगर अपन डिटेक्ट करें तो ये क्या है एक स्पेसिफिक मार्कर है किसके हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट, इट इज फर्स्ट मार्कर अपीयर इन ब्लड आफ्टर इन्फेक्शन, यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन के बाद सबसे पहले जो अपीयर होता है दिखाई देता है वो कौन सा मार्कर होता है एचबीएसएजी होता है। नेक्स्ट, HBsAg disappear with recovery from clinical disease in most patients. और HBsAg क्या है disappear हो जाता है यानी गायब हो जाता है जब क्या है पेशेंट रिकवर हो जाता है किससे डिजीज से, मोस्ट पेशेंट्स में ऐसा होता है। नेक्स्ट, द एंटीबॉडी टू HBsAg appear इन द ब्लड within weeks after द HBsAg आर disappear एंड persist फॉर लॉन्ग टाइम, यानी क्या है जो एंटीबॉडीज होती हैं एचबीएसएजी के लिए वो कब अपीयर होती है ब्लड के अंदर, जब क्या एचबीएसएजी एंटीजन क्या हो जाता है डिसअपीयर हो जाता है मोस्टली, उसके बाद अपीयर होती हैं एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम और लंबे समय तक क्या है स्टोर रहती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखिए एचबीईएजी, तो सीरम कंटेन्स एचबीईएजी इन हाईली इन्फेक्शन, यानी अगर इन्फेक्शन क्या है ज्यादा हो किसी पर्सन में तो उसके अंदर कौन सा वायरल मार्कर प्रेजेंट होता है हेपेटाइटिस ई एंटीजन प्रेजेंट होता है। इट डिसअपीयर आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ एंटी एचबी, और ये क्या डिसअपीयर हो जाती है कब, जब क्या एंटीबॉडीज अपीयर हो जाती है हेपेटाइटिस ई एंटीजन के लिए। तो एक बार शुरू से देखिए कि वायरल डिटेक्शन ऑफ वायरल मार्कर में कि एचबीएसएजी के अंदर क्या होता है कि इज ए स्पेसिफिक मार्कर फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, यानी एचबीएसएजी क्या एक स्पेसिफिक मार्कर है हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के लिए। इट इज फर्स्ट मार्कर अपीयर इन ब्लड आफ्टर इन्फेक्शन, और ये क्या है सबसे पहले अपीयर होने वाला मार्कर है किसके अंदर इन्फेक्शन होने के बाद ब्लड के अंदर। एचबीएसएजी डिसअपीयर विद रिकवरी फ्रॉम क्लिनिकल डिजीज इन मोस्ट पेशेंट, और एचबीएसएजी क्या डिसअपीयर हो जाता है गायब हो जाता है जब कोई पेशेंट क्या है रिकवरी करता है किससे हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से। द एंटीबॉडीज टू एचबीएसएजी अपीयर इन द ब्लड, यानी एंटीबॉडीज कब अपीयर होती हैं ब्लड के अंदर विद इन वीक्स, यानी क्या है कुछ हफ्तों में आफ्टर द एचबीएसएजी आर डिसअपीयर, यानी कुछ हफ्ते में अपीयर होती दिखाई देती है जब क्या है एचबीएसएजी
गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। और ये लंबे समय तक क्या है, ह्यूमन बॉडी में स्टोर रहती है, परसिस्ट रहती है। नेक्स्ट देखिए HBEAG, तो HBEAG क्या है, सीरम कंटेन HBEAG इन हाईली इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन अगर ज्यादा सीवियर हो गया हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो उस कंडीशन में क्या है, HBEAG प्रेजेंट रहता है। इट डिसअपियर आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ एंटी HBE। और ये क्या है कि ऐसी एंटीबॉडी HBE एंटीजन के लिए अपीयरेंस हो जाती है, यानी बनना शुरू हो जाती है। वैसे क्या है, HBEAG एंटीजन जो है हेपेटाइटिस बी वायरस का, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। उसका पता नहीं लगा सकते, बट कैन डिमोन्स्ट्रेट इन द लीवर सेल, यानी लीवर की सेल्स के अंदर उसको डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हो बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस। किसके द्वारा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस के द्वारा। एंटी HBC एंटीबॉडी यूजुअली अपीयर इन द सीरम इन 1 or 2 weeks। और एंटीबॉडी जो है हेपेटाइटिस सी एंटीजन के लिए, वो कब अपीयर होती है, सीरम के अंदर अपीयर हो जाती है 1 से 2 हफ्ते के अंदर। इट रिमेंस लाइफ लॉन्ग, हेंस इट यूजफुल इंडिकेटर ऑफ प्रायर इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। यानी क्या है, जो एंटीबॉडीज होती है HBC एंटी जो है एंटीबॉडीज है, वो क्या है, लंबे समय तक स्टोर रहती है, परसिस्ट रहती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसीलिए क्या है कि ये एक यूजफुल इंडिकेटर है कि इस पर्सन में पहले क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए अपन किसको डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी एंटीजन की। तो शुरू से देखिए कि इट इज नॉट डिटेक्टेबल इन द ब्लड बट कैन डिमोन्स्ट्रेट इन द लीवर सेल। यानी ये क्या है, ब्लड के अंदर डिटेक्टेबल नहीं है, इसको लीवर के अंदर, लीवर की सेल्स के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के द्वारा। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज जो है HBC की, वो क्या है कि 1 से 2 हफ्ते में अपियर हो जाती हैं, दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इट रिमेंस, और ये क्या है, लंबे समय तक स्टोर रहती हैं और पहले से हुए इन्फेक्शन के बारे में भी बताती हैं। उसकी फैमिली कौन सी है, फ्लेविवर्डाई। साइज कितना है हेपेटाइटिस सी वायरस का, तो 15 to 60 nm इन डायमीटर, यानी 50 से 60 nm डायमीटर के अंदर। हेपेटाइटिस सी वायरस इज ए स्फेरिकल, यानी क्या है, राउंडेड यानी गोल, एंड एनवलप्ड वायरस, यानी उसके अंदर क्या है, उसके ऊपर क्या है, एनवलप प्रेजेंट होता है लाइकोप्रोटीन का, कैरिंग ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। और इसके अंदर एक चीज क्या स्पेशलिटी है, कि जो एनवलप है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है हेपेटाइटिस सी वायरस में, तो लाइनर ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल, तो लाइनर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो एक बार शुरू से देखिए कि हेपेटाइटिस सी वायरस
बिलोंग टू हेपेटी वायरस जीन्स ऑफ क्लेविवर्टाइन, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस किससे बिलोंग करता है, तो हेपेटिस जो जीन्स है उससे बिलोंग करता है और क्लेविवर्टाइन फैमिली से बिलोंग करता है। साइज कितना है हेपेटाइटिस सी वायरस का, तो 15-60 एनएम इन डायमीटर, यानी डायमीटर के अंदर अगर अपन देखें तो 50-60 नैनोमीटर है। हेपेटाइटिस सी वायरस इज ए स्फेरिकल एंड एनवलप्ड वायरस कैरिंग ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस कैसा है, स्फेरिकल शेप है उसकी और एनवलप्ड वायरस है, और इसके अंदर क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक प्रेजेंट होते हैं। स्पाइक यानी कांटे जैसी स्ट्रक्चर वो क्या है उसके एनवलप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जेनेटिक मटीरियल कैसा है हेपेटाइटिस सी वायरस में, तो लाइनर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या है कि मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या है पेरेंटल रूट के द्वारा क्या है कि बाय कंटामिनेटेड सिरिंज एंड नीडल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यानी पेरेंटल रूट के अंदर क्या है कि कंटामिनेटेड सिरिंज, यानी क्या है कि पहले से कोई कंटामिनेटेड यानी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर अगर कोई सिरिंज यूज की गई है, और वही सिरिंज क्या है कि अगर अपन नॉर्मल पर्सन के अंदर काम में ले लें तो क्या है इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। यानी या फिर क्या है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए कि जी, यानी नॉर्मल पर्सन से क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए, या फिर क्या है ब्लड प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए तो क्या हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज अनकॉमन, वर्टिकली ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस में भी टेक प्लेस, और सेक्सुअली ट्रांसमिशन क्या है अनकॉमन है, नहीं होता है, लेकिन मदर से फीटस के अंदर क्या है इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट क्या है क्लिनिकल फीचर, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, तो 15-160 डेज विद ए मीन ऑफ 50 डेज, यानी क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि ये 15-60 दिन के अंदर इंफेक्शन कॉज करता है, इंक्यूबेशन पीरियड है ये, यानी डिजीज कितने दिन में एवरेज कितने दिन में होती है 50 डेज के अंदर। एक्यूट इलनेस इज यूजुअली माइल्ड, जॉन्डिस इज लेस कॉमन, यानी जो सीवियर डिजीज है वो क्या है माइल्ड है, लेकिन जॉन्डिस क्या है बहुत ही कम कंडीशंस में होती है। नेक्स्ट देखिए क्रॉनिक इलनेस क्या है, तो क्रॉनिक इलनेस बाय हेपेटाइटिस सी वायरस इज क्लिनिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट इज कॉमन एंड कॉज सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी क्रॉनिक इलनेस जो है हेपेटाइटिस सी वायरस की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉमनली है, और ये क्या है सिरोसिस कॉज करता है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डिजीज क्या है कॉज करता है। शुरू से देखिए कि एक बार मोड ऑफ इन्फेक्शन में बाय कंटामिनेटेड सिरिंज एंड नीडल एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यानी ट्रांसफ्यूज कैसे होता है हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन, तो कंटामिनेटेड सिरिंज अगर कॉन्टेक्ट में आ जाए नीडल कॉन्टेक्ट में आ जाए या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस सी वायरस का। नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिशन में अनकॉमन है, लेकिन एक मदर से प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है एक मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफ्यूज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है 15-160 डेज, यानी एवरेज देखें तो क्या है 50 डेज। एक्यूट इनलेस क्या है इसकी माइल्ड है, जो जॉन्डिस क्या है बहुत ही कम कंडीशंस में होती है। क्रॉनिक इलनेस बाय हेपेटाइटिस सी वायरस, जो क्रॉनिक इलनेस है वो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करता है।
नेक्स्ट देखिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस कैसी होती है हेपेटाइटिस सी वायरस की? तो डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडीज बाय एलाइजा, यानी क्या है कि अपन एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा? हेपेटाइटिस सी वायरस के एलाइजा के द्वारा। नेक्स्ट, कंफर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट ऑब्टेंड बाय एलाइजा इज डन बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेटेड इम्यूनो ब्लॉट एसे, यानी क्या है कि कंफर्मेशन जो है एलाइजा से वो किसके द्वारा किया जा सकता है? RIPA के द्वारा, यानी रिकॉम्बिनेटेड इम्यूनो ब्लॉट एसे के द्वारा किया जा सकता है। यानी अगर एलाइजा पॉजिटिव आता है तो उसका कंफर्मेटिव टेस्ट भी लगाते हैं। वायरल जीनोम डिटेक्टेड बाय PCR एंड इम्यूनो फ्लोरेसेंस एसे। यानी जो वायरस जीनोम जो है उसको किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं अपन? तो PCR और किसके द्वारा? इम्यूनो फ्लोरेसेंस एसे के द्वारा क्या है डिटेक्ट कर सकते हो। कल्चर टेक्निक हैव नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी कल्चर टेक्निक जो है वो भी क्या है अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई हेपेटाइटिस सी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। लैब डायग्नोसिस के अंदर अगर अपन देखें तो हेपेटाइटिस सी वायरस की जो एंटीबॉडीज है उसको एलाइजा के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हो। और क्या है अगर एलाइजा पॉजिटिव आता है तो उसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट लगा सकते हो RIPA, और वायरल जीनोम को अपन क्या है PCR इम्यूनो फ्लोरेसेंस एसे के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। और कल्चर टेक्निक क्या है अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई है हेपेटाइटिस सी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो किसके ऊपर होगा? हेपेटाइटिस सी वायरस के ऊपर होगा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस की स्ट्रक्चर, शेप एंड जो भी है मॉर्फोलॉजी कैसी है। थैंक्स टू ऑल।